हेलो दोस्तों, नमस्कार। रसो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे चलवा मछली दोस्तों, और बहुत ही अच्छी मछली होती है और काफ़ी स्वादिष्ट मछली होती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आइए इसे पहले साफ़ कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए चलवा मछली को हम साफ़ कर लेते हैं। तो चलवा मछली को इस तरीके से साफ़ करेंगे दोस्तों, ये देखिए इसका जो पर है इस तरीके से हम निकाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा कट लगाएंगे नाखून से ही, और ये देखिए आराम से इसका जो अंदर का कचरा है वो निकल जाएगा, उसे हम रख देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों। फिर दूसरे इसी तरीके से मछली को हम साफ कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है और बहुत आसान तरीके से साफ़ हो जाता है ये। तो दोस्तों मछली को हमने साफ़ कर लिया है, अब आइए इसे अच्छी तरीके से धो लेते हैं दोस्तों। तो हमने एक बड़ी थाली लिया है जिसमें मछली को पलट देंगे दोस्तों, और हमने चावल का आटा लिया है दोस्तों, इससे मछली बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कायदे से साफ़ हो जाता है दोस्तों। तो इसे डाल दीजिए और अच्छी तरीके से थोड़ा सा हल्के हाथ से मसल देंगे, और जितना चौंटा रहेगा सब साफ़ हो जाएगा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो दोस्तों आप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, उससे भी मछली काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। इसी तरीके से आपको रगड़ना है चावल का आटा लगा के, और अच्छी तरीके से मसल दिया, जितना चौंटा था सब निकल गया। अब आइए पानी से इसे कम से कम 3 से 4 पानी अच्छी तरीके से धो लेते हैं। दोस्तों मछली को हमने अच्छी तरीके से धो लिया है दोस्तों, और इस समय बारिश भी हो रही है काफ़ी तेज़, और आवाज़ आ रहा है आप सुन सकते हैं दोस्तों, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो चलिए अब मछली को बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मछली में डालने के लिए हमने लिया है दोस्तों, हमने लिया है सरसों के दाने, लहसुन, हरी मिर्च हमने चाल लिया है, अदरक लिए हैं, 1 प्याज लिए हैं और जीरा लिए हैं। आइए इसे बारीक हम पीस लेते हैं दोस्तों। तो चाहे आप मिक्सर में पीसिए या सिलबट्टे पर पीसिए, तो हम मिक्सर में पीस लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सभी चीज़ों को हमने पीस लिया, इसका पेस्ट बना लिया दोस्तों। अब इसे रखते हैं हम साइड में दोस्तों। हम लेंगे एक बड़ी सी थाली, तो हमने एक थाली लिया है और इसमें मछली को रख लेंगे। तो हम डालेंगे दोस्तों इसमें 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हम हल्दी डालेंगे दोस्तों, काली मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा हम, और 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे दोस्तों, तीखी लाल मिर्च हम डालेंगे थोड़ा सा, और पिसा हुआ पेस्ट जो है उसे डाल देंगे, और स्वाद अनुसार नमक हम डालेंगे 1/2 चम्मच, थोड़ा सा डालेंगे हम सरसों का तेल दोस्तों, और हाथ से इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मछली के अंदर फेंट देना है बिल्कुल। तो दोस्तों मछली में मसाला हमने अच्छी तरीके से मिला लिए हैं दोस्तों, अब इसे रखते हैं साइड में दोस्तों। और जो तड़का हम लगाएंगे दोस्तों, तो हमने लिया है 1 प्याज, 2 टमाटर, इसे काट लेते हैं दोस्तों। तो गैस को हमने चला दिया, कढ़ाई जो है हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल दोस्तों। तेल को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने दीजिए। तो तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे हम सरसों के दाने, जीरा, बारीक कटा हुआ प्याज हम डालेंगे, तो हम हल्का ब्राउन कर लिए हैं, और इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, टमाटर को अच्छी तरीके से बिल्कुल गला लेंगे तेल के अंदर। तो दोस्तों टमाटर को हमने अच्छी तरीके से गला लिया है, अब जो मछली हम इसमें डाल देंगे दोस्तों।
इसे चला के बिल्कुल बराबर करके कढ़ाई के अंदर फैला देंगे। इसे गैस की फ्लेम हम बिल्कुल धीमी रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मछली को हमने बिल्कुल कढ़ाई के अंदर चारों तरफ से बिल्कुल फैला दिया है पूरे कढ़ाई में। अब गैस की फ्लेम हम तेज कर देंगे और जब मछली में हल्का उबाल आने लग जाएगा चारों तरफ से मसाले के अंदर, तो गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे और धीमी आंच पे मछली को पकाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मछली में अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है, देख सकते हैं हम मसाला बिल्कुल पक रहा है। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे और धीमी आंच पे मछली को पकाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मछली में जो तेल इकट्ठा हो गया बीच में कढ़ाई के अंदर, आपको इस तरीके से इसे घुमा देना है चारों तरफ से कि मछली में हर जगह ये लग जाए। तो इसी तरीके से हमें कढ़ाई को घुमाना है और मछली को धीमी आंच पे ही पकाना है दोस्तों। तो दोस्तों चलावा मछली हमारा बिल्कुल बनके तैयार है दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है, खाने में बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। तो इस तरीके से बनाइए और परोसिए और पूरे परिवार के साथ बच्चों के साथ मज़े से खाइए दोस्तों और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।